तो बाय बाय सिंकुला एडवेंचर, मतलब ये मरेगा नहीं साला, मगर झुका देंगे साले को। पत्थर पत्थर आगे गिरा पड़ा है और बिल्कुल हम तो उधर जाएंगे, उधर नीचे गाड़ी नहीं निकलेगा सर। नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा गाड़ी। वो देखो वहां वो प्लेयर फंसा हुआ नीचे। निकल जाएगी थोड़ी सी। भाई लोग सब के साथ फोटोग्राफी कर रहे हैं। देखो चल फिर आगे, फ्लो व्लो का कोई लोचा रहेगा। तो अब हम सिंकुला टॉप करके और आगे चल रहे हैं। तो बाय बाय सिंकुला, बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। अब चलते हैं सिंकुला को करते हैं अलविदा। अलविदा सिंकुला। और सिंकुला में दोबारा जरूर आऊंगा। सिंकुला दोबारा जरूर आऊंगा भाई साहब मैं। हाँ भाई को बिल्कुल आना पड़ेगा। टेम्परेचर यहाँ पे 3 डिग्री। कोशिश करूंगा विंटर में आऊं इस बार। विंटर में यहाँ पे झुकेगा नहीं साला। विंटर में तो झुका देगा साला। नहीं नहीं झुकूंगा भाई साहब। एक और क्रॉसिंग आ गई हल्की सी। ये तो लेडी क्रॉसिंग है। हाँ ऐसी क्रॉसिंग तो हम कुछ समझते ही नहीं है। नहीं भाई कोई बात नहीं, हम सब क्रॉसिंगों को समझते हैं। ऐसा नहीं है। एडवेंचर क्या होता है? एडवेंचर मतलब ये मरेगा नहीं साला, मगर झुका देंगे साले को। थोड़ा सा पक्का होना पड़ता है। ऑफ रोड रोड तो खैर ये शुक्र है कि चौड़ा हो गया। हम जाएंगे लिंक सेड। हल्की हल्की बूंदे गिर रही है भाई, उधर धूप भी दिख रही है और व्यू तो खैर पहाड़ों में व्यू का हर जगह का एक अलग नजारा है। बतूम रह गया होगा यहाँ से करीब करीब, नहीं तो मेरे ख्याल भाई 90-100 किलोमीटर। ऑफ रोड आ गया भाई जबर वाला। 4x4 SUV से सब करते हैं। अगर हम ये बलेनों से कर पाए तो भाई मेरे लिए क्या हम सब के लिए यार, मतलब अपना जो सब सारा ग्रुप है उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। मेरे ख्याल से मेरे लिए तो पर्सनली बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये वो रोड है जो नाश्ते में गाड़ियां खाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है देख के, ऐसा ही लग रहा है नहीं, नाश्ते में गाड़ियां लेते हैं। एक गाड़ी कप इसको जो विक्रॉस ले गया था एक बंदा, क्लच प्लेट खत्म, और भी उसको टो करके इन रोडों पे गोरखा टो करके लेके आई है। गोरखा इस पे चढ़ाई करके लाई है। वो जा रही है अपनी सफारी। अपन नीचे उतरेंगे यहाँ से। यहाँ पे तू ये लगा कि गोरखा उसको लेके कैसे चढ़ी होगी इन मोड़ों पे, ये देख अब भाई। वाह मजा आ गया यार, इधर से चढ़ने का तो अलग ही मजा है फिर यार। और अगर अपन इधर से चढ़ते तो कितनी हाइट गेन करते एक साथ इन मोड़ों पे। वाह 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 जी वाह। यहाँ अपने राहुल भैया तो ठीक सरवाइव कर रहे होंगे, पता नहीं देख के इसको कि नीचे उतर रहे हैं। गोरखा की ताकत देखो यार, कि इसूजू वी क्रॉस की खैर क्लच प्लेट तो उस बंदे की ड्राइविंग अच्छी नहीं थी। वो क्लच पे पैर रख के चला के लेके आया था उसको, तो यार इतनी हाइट पे तो भाई क्लच प्लेटें जाएंगी। गाड़ी कैसे रुकी यार, ये पत्थर पत्थर आगे गिरा पड़ा है और बिल्कुल हम तो उधर जाएंगे, उधर नीचे। क्या प्रॉब्लम हुई यार, वो सफारी उतर रही है। देखो क्या प्रॉब्लम है। अच्छा घूमी नहीं थी। ओए ये वही जगह है जहाँ गोरखा वी क्रॉस को टो करके ले गई थी। अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये गंदा आदमी है भाई ये। वो गोरखा चढ़ कैसे गई टो करके, देखी थी वो प्रशांत वाली वीडियो आगे ध्यान। हाँ नहीं चढ़ती यहाँ से, हकीकत बात है सफारी नहीं चढ़ पाती यार। मोड़ कितने खतरनाक है तो यार, अगर धूप निकलती और आगे कोई भाई वाटर क्रॉसिंग और कोई होती तो फिर भी चक्कर पड़ जाता। बात वही वाटर क्रॉसिंग भी जिल जाए यार, उसमें पत्थरों का पता नहीं होता अंदर क्या है, और चैम्बर लग गया तो फिर दिक्कत हो जाती है। यहाँ अब की बार इधर से आ गए, पर अब जब आएंगे दोबारा जरूर, पर इस वाले तरफ से। बस हाँ यार, और इन सब लोगों को कहते यार, सब मेरे लिए दुआ करे कि मेरी भी क्रॉस आ जाए। हाँ यार लकड़ियों का रोड लोड अपन बेमतलब में लेके चल रहे हैं यार। इसमें उस वैसी चढ़ाई नहीं तो सच पाच जैसी यार। ये पत्थर हटाना पड़ेगा यार मेरे ख्याल से, रुक जाए एक मिनट। सच पाच से भी ज्यादा चढ़ाई है क्या?
सुन, धूप होती ना ये हो सकता है हमको प्रॉब्लम कर सकती थी ये जगह। चल मेरे रानी, चढ़ जा, रुकना नहीं है, चलो खींच के। ये बात बोलेरो कहाँ फंसी पड़ी बाबा? कौन सी बोलेरो गाड़ी? इन कहाँ पे गाड़ी का मकान है? अरे यार वो तो गाड़ी है बोलेरो, और वो तो, अरे यार वो अपने रास्ते में ही है वो तो भाई। अच्छा जी, अरे हाँ बिल्कुल रास्ते में भाई, भाई वहाँ जाना है भाई, बिल्कुल सही कहा तुमने। वहाँ एक गाड़ी फंसी हुई है, दिख रही हो तो, बिल्कुल रास्ता ऊपर चढ़ रहा है ना वो जा रहा। चल देखते हैं, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकलेगा, बनाएंगे रास्ता आज, आज रास्ता बनाएंगे। टेंशन मत लो और नेगेटिव मत हो। अब एक हडल है हमारा, वाटर क्रॉसिंग, वो पार करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। वहाँ पे ऊपर से दिख तो रही है बोलेरो डूबी हुई है, आधे टायर भी नहीं दिख रहा उसका, टेम्परेचर हो गया 3 डिग्री भाई। यहाँ वहाँ पे जाएंगे, वो सफारी जा रही है नीचे। झूले झूले झूले, खुश हो झूले, मतलब जैसे अपने वहाँ पे होता है ना नमस्ते हेलो, ऐसे लद्दाखी में होता है झूले। आगे निकल जाएगी गाड़ी मेरी, निकल जाएगा भाई, निकल जाएगा, निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा आराम से। बड़ा नीचे पानी बड़ा है, आपका गाड़ी नहीं निकलेगा सर? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा गाड़ी फंसा नीचे। वो देखो वहाँ बोलेरो फंसा हुआ नीचे। अच्छा मस्त लग रहे हो भाई, थैंक यू भाई। चलो ओके झूले भाई, थैंक यू। अंधेर में आ तू, मैं भी दिखाऊं गाड़ी भाग क्यों रही है। ये फंडा है भाई, जैसे डाउन में उतारे ना, ज्यादा डाउन है तो पहले गियर में लेके क्लच छोड़ के और ब्रेक पे पैर रख के ना, और फिर चलते रहो बस। अब की बार आया मजा कि हाँ कहीं आए हैं लद्दाख वद्दाख करने। देखो वो फंस रही वो गाड़ी वहां पे, दिख रही है ना। तो जहां तक अपनी गाड़ी, अब बिल्कुल काफी नीचे आ गए अपन, बैठ के भी बैठ के इसलिए कि उतरना ना पड़े, पैर बड़ी मुश्किल से सीसा तूने लाया ना। देखते हैं एक बार पोजीशन क्या है, बाबा क्या पोजीशन बताते हैं वो। आ तो गए हम, ये बोलेरो फंसा रखी है। आ जाएगी क्या? गड्ढा है अभी, वो गाड़ी वापस बुलाइए क्योंकि ये इन दोनों को बिठा के ले जाएगी, और बार बार ये भी परेशान हो रहे हैं ना। ये बोलेरो फंसी हुई है, बंदे ने उधर गलत ले ली, वो उधर बैठ गई। अभी ये गाड़ी आ रही है, इसको मैं देखता हूँ इसकी क्या पोजीशन रहती है। निकल जाएगी, अब इनको बिठा के ले जा। चलो मैं बैठता हूँ गाड़ी पीछे ले रहा हूँ। भाई पत्थर डालेंगे वहां पे, एक बार दोबारा मैं देखता हूँ इसको। भाई मशक्कतें जा रही हैं, पत्थरों को सेट कर रहे हैं क्योंकि हम बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते। गलती से यहाँ फंस गई ना गाड़ी, तो यहाँ फंसी रह जाएगी। आप देख सकते हो बोलेरो इतनी बड़ी गाड़ी होकर भी यहाँ पर फंसी हुई है। वो लोग कहते हैं ना एडवेंचर एडवेंचर एडवेंचर, ये देख लो भाई एडवेंचर होता क्या है। ये पानी, वो बर्फ दिख रही है ना, ये टोटल बर्फ पिघल के आ रही है। ये नहीं पता होगा कि पैरों के हाल क्या है, ऐसा लगता है कि पैर है नीचे से है ही नहीं, जम जाते हैं बिल्कुल, सुन्न पड़ जाते हैं। ये देख सकते हो आप बोलेरो, ये बम्पर तक नंबर प्लेट तक इसकी डूबी हुई है। इसे देखकर तो डर लग रहा है भाई, पता नहीं क्या होगा। चलो
इंशाल्लाह गाड़ी निकलेगी, क्योंकि छोड़ के से तो हम जा नहीं सकते गाड़ी को। हाँ गुलाटी, क्या लग रहा है गाड़ी का निकलेगी नहीं निकलेगी? आज बोल गए भी इंशाल्लाह बोल गए, बस पत्थर तो जमा लिए सारे। अल्लाह बस यहाँ मत फंसवा दियो गाड़ी को, ये गाड़ी निकलनी चाहिए कैसे भी। पैरों की क्या कंडीशन है? सुनने पता ही नहीं क्या कंडीशन है। और ये चालू भाई कमाल हो गया भाई, यहाँ पे बलेरो अटकी हुई है देख सकते हो आप। और ये पत्थर सेट कर लिए ना, सही रहा सही रहा, नहीं तो ऊंची अटकती अटकती हम ऊपर से टेंशन में थे। हम तो वहां से डंका में हमने भी देख के मैंने कहा वही देखो आज आले पैर बैठे हम भी यही को डाउट करने लगे। अबे पैर देख कैसे हो गए, पूरा खून रुल हो गया, खून उतर गया यार हाथों में। थोड़ी देर गाड़ी वाले का गोली मेहनत होती है, सुन हो जा मैंने बाकी बात कोई दिक्कत ना है, अब सुन पड़ेगा भाई मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस रूट में मेरे ख्याल से ना दूसरा आपत्ति देखो बोलेरो, और ये अपनी बलेनो। राहुल भाई कैसा है, कैसा एक्सपीरियंस? गुड। पैर भाई सुन हो गए मेरे, लाल हो गए, हाथ भी सुन हो गए। चलो कोई नहीं, थोड़ी मेहनत होती है पर निकल जाती है गाड़ी। और कुछ डिसीजन डिग्गू का था कि भाई वो पत्थर सेट कर लो तो उससे इजी वे में निकल जाएगी, नहीं तो दिक्कत होती। सुन ऐसे आया तो रोक लिया कर, इनको बिठा के निकाल लिया कर यार। यहाँ से हाइट एकदम कम होती है, हम देखो वहाँ से ऊपर उस जगह पे और एकदम से नीचे सट 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 उतरते हुए आती है, बिल्कुल मतलब वहाँ से आ रहे हैं बिल्कुल ऊपर टॉप से, ऊपर वाले की पूरी मदद है। ये देखो बलेनो निकल के खड़ी है, बोलेरो का हाल देखो क्या है। ये पता है क्या, थोड़े ही अगर निकालो सूझ बूझ से निकालनी पड़ती है गाड़ी, ऐसे नहीं कि सीधा चलो और यार ये गलत है। चलो मैं जूते पहन लेता हूँ। तबीयत कैसी है भाई? ठीक है अब सही है ना, नीचे आ गए ना, अब ठीक हो गया। पानी की एक मिनट है क्या इधर, रखिए क्या और लाऊं? अब दो हो गई ना, एक तो पीछे रखी है। लो। भाई तबीयत वबीयत सब ओके है ना सबकी, है ना? डन, मजा आ रहा है। अपन इतनी बार यार गए हैं लेकिन आज प्रॉपर मजा आज। हाँ लग रहा है ना कि हाँ कि यार ये जो हाँ हाँ जो चीज ढूंढ रहे थे कि ऐसा हो फंसे हैं टोचन निकाले ये वो। पर सुन मजा जब ये कि अपने पास एक बैकअप व्हीकल है तो टेंशन फ्री है। अगर बैकअप व्हीकल ना हो ना, जैसे एज ए बैकअप व्हीकल है तो फिर आदमी, अब जैसे उनके पास कोई व्हीकल नहीं था, बोलेरो लेके भी छोड़ गए। चलो 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 भाई चलते हैं यहाँ से आगे, मैं जूते पहन लूँ, पैर लाल हो गए नीचे से तड़वे सुन।